हेलो एवरीवन, अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जोन रिफाइनिंग का। ठीक है, देखते हैं क्या है अपने पास। जोन रिफाइनिंग, देखिए जो ये जोन रिफाइनिंग जो प्रोसेस है ये बेसिकली किसके लिए यूज की जाती है, यूज्ड फॉर सेमीकंडक्टर लाइक जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरोन एट्सेट्रा। ठीक है, इनके लिए यूज की जाती है। इसमें होता क्या है कि सपोज अपने पास ये कोई जर्मेनियम की रोड है, ये रोड है मेरे पास, हम क्या करते हैं इसके चारों तरफ एक सर्कुलर कोयल हीटर लगा देते हैं। कोयल लगा लो या हीटर लगा लो, एक सर्कुलर इस तरह से। ठीक है, ये अपने पास ठीक है, बैक का आपको दिखेगा नहीं तो हम इसको वापस बना देते हैं। इस तरह से बोल सकते हो, पीछे की तरफ है ये अपने पास यू। अब करते हैं क्या, हम इस कोयल को शिफ्ट करते हैं, ऊपर नीचे शिफ्ट करते हैं। सपोज कैसे, अब जैसे ही ये अपने पास जर्मेनियम की कोयल है, ये जर्मेनियम की रोड है, हम जहां से भी ये हीटर यहां से स्टार्ट होगा, जैसे ये यहां से हीट करना स्टार्ट करेगा तो ये इस एरिया को मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा। और जो कि इम्प्योरिटीज होती हैं जोन रिफाइनिंग में, जो इम्प्योरिटी होती हैं आर मोर वोलेटाइल। इम्प्योरिटी कैसी होती हैं, ज़्यादा वोलेटाइल होती हैं। इसीलिए क्या हुआ कि जो अपने पास जर्मेनियम था वो तो यहीं पर रह जाएगा, जो इम्प्योरिटी थी वे ज़्यादा वोलेटाइल होने की वजह से उसको कम टेम्परेचर की ही रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए यहाँ से क्या होगा वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जो इम्प्योरिटी है वे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे और अपने पास नीचे क्या हो जाएगी, वे इम्प्योरिटी मिल जाएंगी। इम्प्योरिटीज मिल गई। इसी प्रकार से जब हम इस कोयल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे तो जैसे ये कोयल नीचे आएगी तो ऊपर की तरफ अपने को क्या मिल जाएगा, ऊपर क्या मिलेगा, प्योर जर्मेनियम। ऊपर की तरफ अपने को क्या मिल जाएगा, प्योर जर्मेनियम मिल जाएगा। अब होगा क्या, चलिए मान लेते हैं अपने पास जैसे ही इस कोयल को नीचे शिफ्ट किया, नीचे शिफ्ट करने की वजह से क्या होगा, अब ये कोयल नीचे आ गई तो यहाँ तक इस एरिया को मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज थी, अब इस एरिया में जितनी नीचे शिफ्ट हुई, अब जो इस एरिया में इम्प्योरिटी थी यहाँ पर, ठीक है, वे इम्प्योरिटी क्या करेंगी, वे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी और वे नीचे आ जाएंगी। अब ये इम्प्योरिटी क्या होंगी, नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब जितना भी जो पीछे बचेगा अपने पास प्योर जर्मेनियम ही बचता चला जाएगा, पीछे की तरफ अपने को प्योर जर्मेनियम बचता चला जाएगा। और हम धीरे धीरे इस कोयल को, इस हीटर को नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक नीचे तक बिल्कुल आने के बाद ये क्या होगा, जितनी भी इम्प्योरिटी थी वे मेल्ट होगी, आप अलग से कलेक्ट कर लेंगे और अपने पास प्योर जर्मेनियम बच जाएगा। इसी प्रकार से बाई चांस जैसे बुक में कैसे दे रखा है आपको डायग्राम कुछ इस तरह का दे रखा है, वहाँ पर बीच में एक एरिया दिखा रखा है जो कि आपके पास कौन सा है, मोल्टन जोन, जहाँ पर भी क्या अपने पास इम्प्योरिटीज हैं वो इसी तरह से दिखा रखे कि यहाँ पर जो हीटर था अपने पास वो, इसलिए जो इम्प्योरिटीज थी वे क्या हो गई, मेल्ट हो जाती हैं और अपने को अलग, वे मेल्ट हो गए, नीचे गिर जाती हैं और हम यहाँ पर जो ये रोड रह जाती है वो किसकी रह जाती है, जर्मेनियम की रोड रह जाती है। तो ये था अपने पास जोन रिफाइनिंग। तो और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपके इस लेक्चर के लास्ट में, इसी वीडियो के लास्ट में आपको एक एनिमेटेड वीडियो है वो आप ज़रूर देखना, ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप सो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, देखो बेटा होता क्या, जोन रिफाइनिंग
सबसे पहले 1951 के अंदर जो ये प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए ये प्रोसेस यूज़ की गई थी, ठीक है, 1951 के अंदर ये यूज़ की गई थी। जैसा कि आप यहाँ पर इस 3D डायग्राम में देख रहे हो, ये जर्मेनियम की रोड अपने पास इम्प्योरजों की, और ये इनर्ट गैस, इसके अंदर हम कार्बन मोनोऑक्साइड डालते हैं, ठीक है, और एक ये सर्कुलर हीटर अपने पास, ठीक है, इसी को यही मोल्टन जोन को रिप्रेजेंट करता है। ये देखें नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है अब, और जितना भी नीचे की तरफ आपको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है ये इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है, ये बार बार इसी तरह से आएगा और जितने भी इम्प्योरिटी होंगी उसको नीचे की तरफ कलेक्ट करवा देगा, ठीक है। बस यही है सिंपल सी प्रोसेस अपने पास, और कुछ नहीं इसके अंदर, और ये अपने पास प्योर जर्मेनियम की रोड मिल जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।